सो हेलो हाय जोहार नमस्ते सभी को द कैप्टन ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं हूँ फिलहाल अभी सीआईपी में, और सीआईपी आप जान ही रहोगे पागलखाना। एक्चुअली मेरी जो मेंटल हेल्थ है अभी थोड़ी सी सही नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा मेरे पास ड्यूक 390 हुआ करती थी कुछ 7-8 महीने पहले, जब मैंने उसे सेल किया तो जिसने खरीदी वो बाइक को बहुत गंदे टाइप से वो चलाया, उसे एक्सीडेंट वगैरह सारा चीज़ करवाया। फिर उसने गाड़ी सेल की एक अपने जान परिचय के भाई को, अतुल को, जो डीलर है एक टाइप से बोल दोगे, बहुत उसका नाम अतुल दयाल है। तो सीन ऐसा हुआ कि उसने मुझसे बोला कि मैं आपकी बाइक खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास ही जॉब आईडी थी, मतलब अपना आरसी कार्ड था तो मेरे पास था, तो मैंने उसे नहीं दिया हुआ था। तो उसने बोला कि भैया मैं अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सारा पेपर 28-29 मेरे से साइन करवाया उसने, और ऐसा मुझे भरोसा दिलाया कि वो ये बाइक को ख़रीद रहा है। और मैंने उसे तब आरसी दे दिया, क्योंकि जब नॉन ट्रांसफ़र होता है तब उसमें एक चीज़ लगती है जो आरसी ट्रांसफ़र में लगती है, तो वो कार्ड देना पड़ता है। बट दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, कोई अता पता नहीं। जब मैं उससे पूछा तो बोला कि भैया मैं दिया हुआ हूँ, एक्चुअली वो झूठ बोल रहा था। फिर कुछ दिन बाद बात हुई तो वो बोलता है कि भैया मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैं ये गाड़ी सेल कर रहा हूँ। तो फिर क्या ही बोले, वो गाड़ी सेल कर रहा था, तो बोला वो प्लीज़ भैया आप बात कर लीजिए जिससे मैं बेचना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं आगे की कहानी आपको गोप्रो पे बताता हूँ। तो मेरे मैं तो अभी एथर पे आया हूँ, और इसके पीछे रीज़न यही है भाई कि जब उसने बोला कि मैं अपनी आपकी बाइक बेचना चाहता हूँ, तो एक्चुअली वो है डीलर, वो हमेशा से झूठ बोलता आया है कि उसे वो बाइक ख़रीदनी थी, उसे बाइक नहीं ख़रीदनी थी, उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करके वो बाइक बेच रहा था। तो जब उसने बाइक बेच रहा था तो मुझसे बोला कि मैं बेचना चाहता हूँ, तो मैं बोला कि भाई मैं बेचो या कुछ भी करो, मेरे को इतना मतलब है कि इस बाइक का नाम ट्रांसफ़र मैं चाहता था तुम्हारे पहले हो, बट अगर तुम बोल रहे हो तो मैं ठीक है, तुम जिसे बेच रहे हो एटलीस्ट उसका नाम ट्रांसफ़र कर दो। बट भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने डायरेक्ट बेच दिया, पैसा ले लिया, ना उसके पास जिसे वो बेचा है उसके पास नंबर है, ना नाम ट्रांसफ़र करवाया है, ना इंश्योरेंस करवाया है। जब हम लोग की डील हो रही थी तो सारा ये तय था कि वो सारा चीज़ वही करेगा, क्योंकि मैंने पैसे कम किए हुए थे अपने बाइक का प्राइस, तो मैंने उसमें बोल दिया था कि नाम ट्रांसफ़र और ये सब सारा चीज़ आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। बट उसने वो चीज़ नहीं किया, पैसा कमा लिया खुद ने और इसे छोड़ दिया। तो भाई मुझे तो तकलीफ़ हो रही है, मैं उसे बहुत बार मैसेज किया, कॉल कर रहा हूँ उठा नहीं रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, और उसके साथ एक और लड़का, ये दो लड़के हैं जो एक्चुअली ये सब काम करते हैं, काशिफ है कतुल, ये दोनों एकदम चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अगर क्या बोलते गवाही में नाम लेना हो या गवाही में नाम देना हो तो काशिफ भाई अपने एकदम तैयार रहते हैं लिखने के लिए विदाउट कुछ सोचे समझे। तो जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो भी बोल रहा है कि भैया मेरा भी कॉल नहीं उठा रहा है, ना नाम ट्रांसफ़र कर रहा है। तो भाई ये चीज़ तो मेरे को बहुत खटकी ना, मैं अपनी तरफ से 100% रहा ना उसके लिए, ना कभी उसको कभी एक चीज़ के लिए दौड़ाया ना कुछ किया। वो बोला मुझे बेचना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, भैया आप बेचवा दो, मैंने बेचवा दिया। बट मेरे साथ वो अगर धोखा कर रहा है तो भाई मुझे आज कंप्लेंट डालनी पड़ेगी थाने में, क्योंकि ये छोटी मोटी बात मेरे लिए नहीं है, नए नए कानून आ रहे हैं, कुछ भी मेरे बाइक से होता है तो भाई ये मेरी जवाबदारी होगी। और इसके बाद पता नहीं इस वीडियो का रिस्पांस क्या होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो गुस्सा हो जाएगा या क्या होगा या मारपीट होगा, मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहेगा। बट अगर मारपीट किया तो भाई मैं तो पहले ही लिखवा दूंगा, और मैं चाहता तो उसके घर जाऊं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि उसके घर जाऊं। एक्चुअली उनके पेरेंट्स को ये चीज़ जा कर के वहाँ चिल्लाना या कुछ भी चीज़ करना गलत है, बेटे ने गलती किया तो मैं यहाँ कंप्लेंट दायर करता हूँ, और इसके बाद देखते हैं कि सर लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे तो एटलीस्ट यहाँ पर देनी पड़ेगी ना थाने में, क्योंकि मेरी बाइक किस हालत में कौन यूज़ कर रहा है मुझे नहीं पता, अभी तक नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, बाइक का नाम इंश्योरेंस नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़, तो भाई ये तकलीफ करेगी ना मुझे, मुझे डर तो लगा रहेगा ना। तो बस इसी वजह से मैं आया हूँ अभी
कांके थाना, आप देख सकते हो कांके थाना मैं पहुंच गया हूं, और मैं अब चाहता हूं कि कंप्लेन किया जाए। चलो, क्योंकि यार बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। जय श्री राम, देख लेना सभी। बड़े बाबू कौन है? नमस्ते सर, हाँ सर, एक कंप्लेन दायर करना था। एक बंदा है जो मेरा बाइक खरीदा है, बट वो अभी तक नाम ट्रांसफर नहीं कर। A few moments later. वाह, कि सर ने बोले हैं कि एक्चुअली वो लड़का है बरियातू का, तो वो बरियातू का है, तो सर ने बोला कि आप पहले ऐसा काम करो कि आप बरियातू में एक बार एक कंप्लेन दायर कर दो, एक आरसी कार्ड का, एक बॉन्ड पेपर का फोटोकॉपी लेकर के, ताकि वहाँ पास भी एक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अगर वहाँ से वो लोग एक्शन नहीं लेते तो फिर हम लोग यहाँ से एक्शन ले लेंगे। और मैंने उनकी बात पोलाइटली सुनी यार, क्योंकि ज़रूरी है। मैं बता दिया उनको ये इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ हुई है जो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जो मुझे हर्ट कर रही हैं, और ऐसा हुआ है। तो अभी मैं फिर से एक बार कॉल करूँगा उन लोगों को, और देखता हूँ, अभी मैं बरियातू थाना भी जाऊँगा और देखता हूँ कि उन लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है। अगर रिस्पॉन्स मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे फिर बरियातू थाना में भी एक कंप्लेंट दायर करना पड़ेगा, और इसमें कोई गलत नहीं है। ओके, सो हेलो, तो आपने देखा जैसे मैं कांके थाना गया और वहाँ से उन लोगों ने कह दिया कि मैंने रिपोर्ट कंप्लेंट दर्ज कर ली है, एक बार आप बस अब बरियातू थाना में भी कंप्लेंट दायर कर दो। तो बस मेरा अब इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो एक्चुअली मुझे बरियातू थाना जाना है और वहाँ पर भी एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराना है। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअली करना क्यों पड़ा कैप्टन भैया को, तो देखो भाई, जब पानी ना सर के ऊपर चला जाता है ना, तो ये स्टेप लेने पड़ते हैं। मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पास कितना मैसेज, कितना कॉल किया हुआ है, फिर भी नो रिप्लाई, ये दोनों के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अल्टीमेटली मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे को भी ये फिक्र है कि मेरे गाड़ी से ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से मैं फंस जाऊँ इन फ्यूचर। और ये लोग इतने फ्रॉड इंसान हैं, इतने फ्रॉड इंसान, और ये वीडियो बनाने का मोटिव भी यही था कि जान लो कि ऐसे लोगों से अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो, मतलब आप फंस रहे हो। ये लोग 40,000 किलोमीटर चली हुई बाइक को ये लोग 10,000 तक मीटर टैम्परिंग करके बेचते हैं, ठीक है। और रही बात कि नो रिस्पॉन्स, मैं लड़ाई भी नहीं करना चाहता था, बट थिंग इज दैट कि ये पहला कंप्लेन दर्ज करने के बाद ऐसा है कि उठेंगे ये लोग, घर से उठेंगे, पुलिस लेके जाएगी। मेरी तो बात हो चुकी है, बस एक कंप्लेन मेरे को बरियातू थाना में देना है, वहाँ का जो रिसीविंग रहेगा मैं कांके थाना में ला के दूंगा, बस बात खत्म। ये लोग घर से लेके जाएंगे ये लोग, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है, तो ऐसे फ्रॉड लोग से बच के रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं है, किसी के वो नहीं है, ठीक है। और फाइनली यही बोलूँगा, कभी ऐसे लोगों से बाइक मत खरीदिएगा आप लोग, और ये मेरे लिए भी सीख है। मैं अपने भाई भाई कह के इसने मेरे से आरसी कार्ड वगैरह सारा चीज़ ले लिया, मैंने भी ट्रस्ट किया, 28-29 का पेपर मेरे से साइन करवाया, तो मुझे भी तो एक टाइप से बिलीव होगा ना कि 28-29 का अगर साइन करवा रहे हैं तो भाई कुछ तो असलियत होगी। ये देखो, ये बॉन्ड पेपर लिख करके दे रहा है तो असलियत होगी, बट ये लोग क्या कि विदाउट, मतलब मेरे ही बाइक को खुद खरीद के दूसरे को बेच रहे हैं, उसका नंबर तक नहीं है उनके पास, सोच लो इतना घटिया काम करते हैं लोग। तो बस मेरा मोटिव यही था ये वीडियो बनाने का, और होप करता हूँ कि आप लोग मुझे हेल्प करेंगे इस चीज़ में। अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो मेरा कमेंट करिए, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ना कि ये जैसे पागल लड़के और ये जैसे फ्रॉड लड़के लोगों का पर्दाफाश हो सके पूरे रांची में। इन लोग से ज़्यादा घटिया लोग मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। मैं भाई बोलता था, बट ये लोग भाई डिजर्व नहीं करते ब्रो, सच्ची डिजर्व नहीं करते।
चले फिर मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप जो मैं बरियातू जाऊँगा उसके बारे में भी आपको बताऊँगा और बताइएगा फिर आप, देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग डालने के बाद ही चीज़ें सिमट जाएँ, अगर बातों से तो ठीक है, नहीं तो थाने वाले तो हैं ही, फिर वो लोग तो बोल ही चुके हैं कि आप बस लेकर के आओ उधर से रिसीविंग, बाद बाकी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ।